हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रूनास फ्लेवर। आज हम बनाएंगे मालपुआ। तो मैंने कैसे बनाया देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कप चावल के आटे ली है, साथ ही हाफ कप मैदा, हाफ चम्मच नमक और हाफ कप चीनी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और धीरे धीरे मिल्क ऐड करूँगी। आप लोग चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिल्क देने से टेस्टी ज़्यादा बनता है। तो हमारा जो बैटर है वो तैयार हो गया। अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया, अभी इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल को अच्छे से हीट करूँगी। मालपुआ बनाने के लिए ऑयल हीट होना ज़रूरी है। तो हमारा जो बैटर है वो डाल दिया। देखिए कैसे अपने आप फूल रहा है। बैटर अच्छे से बनता है तो ये अपने आप फूलने लगता है। तो अभी मैं इसको उल्टा दूँगी दूसरे साइड फ्राई करने के लिए। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया। अभी मैं इसको एक प्लेट में रख दूंगी उठा के। तो मैंने और एक डाल दिया। आप लोग चाहे तो एक साथ दो से तीन बना सकते हैं। ये भी अच्छे से फूल गया। इसको हम उठा लेंगे और एक डाल दूंगा। इसको भी उठा लेंगे। ये भी उठा लेंगे। अभी हम तीनों को डाल दिया एक साथ। अभी फ्राई करेंगे चारों को। फ्राई हो गया। अभी इसको भी उठा के प्लेट में रख दूंगी। इसी तरह सभी मालपुआ को फ्राई कर लूंगी। हो गया हमारा जो मालपुआ सभी फ्राई, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।